इसके बाद हम आ जाते हैं गॉस की प्रमेय पर। गॉस की प्रमेय, जो हम लोगों ने अभी फ्लक्स निकालना सीखा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ये अगर देखा जाए तो ये ओपन सरफेस एरिया के लिए वैलिड है, ओपन सरफेस एरिया के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए ये पृष्ठ है, यहां पर हमने आवेश रखा हुआ है, तो कुछ वैद्युत क्षेत्र इसके चलते यहां पर होगा तो हम ई पता कर लेंगे, इसका एरिया पता होगा तो हम ए पता कर लेंगे, दोनों के बीच का कुछ एंगल वेंगल होगा वो थीटा पता कर लेंगे, रख देंगे कॉस थीटा, तो वहां पर ये चीज आसान है। लेकिन अगर यही क्लोज सरफेस के लिए बात करें, क्लोज सरफेस मतलब कि जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हमने क्या बना दिया, घनाभ, इसमें हम कह दें कि आवेश यहां रखा हुआ है नीचे, तो अब इससे इस दीवार की दूरी कुछ और होगी, ऊपर वाले की दूरी कुछ और होगी, इसकी दूरी कुछ और होगी, यहां वैद्युत क्षेत्र E1 होगा, यहां वैद्युत क्षेत्र E2 होगा, यहां वैद्युत क्षेत्र E3 होगा, तो हमें कई सारे वैद्युत क्षेत्र पता करने पड़ेंगे। उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, पूरा स्टेटमेंट है ये एक। गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। ये किसने बताया, गॉस ने। क्या कहा उन्होंने, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। जैसे मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, मान लीजिए गोला है, आप इसके चलते इसमें जो भी आवेश रखा है, जैसे मान लीजिए गोला है, इसके बीच में यहां कहीं आवेश रखा है Q, आप पता करना चाहते हैं कि इस Q के चलते वैद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर क्यों निकलेगा, ऐसे जाएगा, तो कितना फ्लक्स होगा। अगर आप ये पता करना चाहते हो तो आप कुछ मत करें, सिर्फ आवेश पता कर लें, कितना है आवेश, कितना है क्यू, और बटे में क्या कर दो, बस ε0 कर दो, इसी क्यू का कितना गुना हो जाएगा, ε0, 1/ε0 गुना, यही कहलाएगा फ्लक्स। यानी फ्लक्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या निकालना है, आवेश, ये आवेश निकाल देना है, उसी का आवेश का 1/ε0 गुना, यानी q/ε0 ज्ञात कर दीजिए, फ्लक्स निकल जाएगा। अब अगर इस चीज के प्रूफ की बात करें तो प्रूफ ये कहता है कि जैसे एक गोला लिया आपने, इसकी त्रिज्या कितनी थी r, अब इस गोले पर आप छोटा सा एक क्षेत्रफल लेते हैं dA, क्या लेते हैं dA, जैसे यहां मान लीजिए हमने dA क्षेत्रफल ले लिया, इस dA के चलते क्षेत्रफल किधर होगा, दिशा किधर होगी, लंबवत पृष्ठ के लंबवत, जैसे गोला है तो गोले के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, बाहर की ओर ही निकलेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना हो जाएगा, 90, कैसे, पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल भी बाहर, वैद्युत फ्लक्स भी कितना बाहर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0। जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो हम यहां से फ्लक्स निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए ये गोला है, इसके छोटे से भाग dA, dA पर एरिया भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, ये E और ये क्या है dA भाग का क्षेत्रफल का वेक्टर। तो फ्लक्स निकालना है आपको dφ, इस छोटे से भाग के चलते छोटा सा फ्लक्स, E इंटू dA,
अब इनटू कॉस थीटा लेना चाहिए, थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कॉस जीरो का मान एक। ये छोटा सा फ्लक्स है, डी ए भाग के चलते छोटा फ्लक्स। अगर हम समाकलन कर दें तो डी ए बराबर डी फाई जो है इसका समाकलन कर दें कितना आ जाएगा, ई इंटू डी ए का समाकलन, डी फाई का समाकलन फाई होगा, ई डी ए का समाकलन ए होगा। अब ई कितना होगा, ये बिंदु आवेश यहाँ रखा होगा क्यू, इससे आर दूरी पर अगर आप निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr2, 4π से 4π कैंसिल, r2 से r2 कैंसिल, तो बचा कितना q, और बटे में कितना बचा ε0, तो फ्लक्स कितना आ गया q अपॉन ε0। यही गॉस ने भी कहा था कि फाई बराबर कितना आएगा, q अपॉन ε0। तो कुल मिला के बात यह हुई कि आपको फ्लक्स निकालने के लिए सिर्फ आवेश पता करना है, उसमें ε0 से भाग करा देना है। चलिए नोट करिए इस बात को। अब गॉस की प्रमेय पर आधारित जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम सिद्ध करें, कूलाम का नियम सिद्ध करें। पहला क्वेश्चन यही बनता है, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम सिद्ध करें। अगर आप अनसॉल्व उठा के देखें तो ये सवाल कई बार पूछा गया है। जैसे मान लीजिए एक गोला दिया हुआ है, इस गोले का केंद्र पर आवेश रखा हुआ है क्यू, इसकी त्रिज्या कितनी है आर, और यहाँ कहीं आवेश मान लीजिए रखा हुआ है एक क्यू जीरो। अब हमें निकालना है, कूलाम का नियम सिद्ध करना है। कूलाम के नियम में हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे, पहले गॉस की प्रमेय से ही कूलाम का नियम आएगा। फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए बराबर कितना, क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि क्यू ही केंद्र पर रखा हुआ है। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होगा एफ अपॉन क्यू, ई बराबर कितना होगा एफ अपॉन क्यू जीरो इंटू ए बराबर में q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इस q जीरो को चाहें तो उधर भेज दें, ये हो जाएगा q q जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और अपॉन में कितना आ जाएगा a, f बराबर कितना आएगा a की वैल्यू, गोले का क्षेत्रफल कितना होगा 1/4πr2 एप्सिलॉन जीरो q q जीरो, ये हो जाएगा। अब इस चीज़ को अरेंज करके लिखें तो 1/4π एप्सिलॉन जीरो, 4π के साथ एप्सिलॉन जीरो, क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, और यही होता है आपका कूलाम का नियम, जो कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को दर्शाता है। एफ बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम सिद्ध किया। इसके आगे चलते हैं, अब डेरिवेशंस पे आते हैं। डेरिवेशंस के लिए आपको सिर्फ चार पॉइंट याद रखने हैं मेन। चार पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं, सबसे पहली चीज गॉसियन पृष्ठ खींचें, गॉसियन पृष्ठ खींचें। अभी गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, वही काल्पनिक पृष्ठ जिसके जरिए आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं या जिस पे आप वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, वही गॉसियन पृष्ठ खींचें। नंबर दो, कुल आवेश की गणना करें, कुल आवेश ज्ञात करें। नंबर तीन, फाई बराबर ई डॉट ए ज्ञात करें, फाई बराबर ई डॉट ए ज्ञात करें। और चौथा स्टेप जैसे ही आप लगाएंगे आपका डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। चौथा स्टेप क्या होगा, ई डॉट ए बराबर q अपॉन एप्सिलॉन जीरो रखें, या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आप कह सकते हैं इसको गॉस की प्रमेय लागू करें, गॉस की
प्रमेय लागू करें। अब यही चार पॉइंट हैं, इन्हीं चार पॉइंट से ही सारे डेरिवेशन सॉल्व होंगे। पहला गॉसियन पृष्ठ खींचे, दूसरा कुल आवेश ज्ञात करें, तीसरा फाइव बराबर ई डॉट ए ज्ञात करें, चौथा गॉस की प्रमेय लागू कर दें। इन्हीं चारों से ही सारे डेरिवेशन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब डेरिवेशन करते हैं। बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण चालक गोले पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण चालक गोले पर वैद्युत क्षेत्र। चालक की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप जितना भी आवेश देंगे वो सब पृष्ठ पर चला जाता है। चालकता के कारण वो सब आवेश कहाँ चला जाता है? पृष्ठ पर। जैसे मान लीजिए एक गोला है, आपसे पूछा गया है इस गोले पर हमने कितना आवेश दिया है, क्यू आवेश दिया है। गोले की त्रिज्या कितनी है? आर। अब कह रहा है कि इसके चलते वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र तीन तरह से ज्ञात कर सकते हैं आप, पहला तो इस गोले के बाहर, दूसरा इस गोले के ऊपर और तीसरा इस गोले के अंदर। तीन तरह से वैद्युत क्षेत्र आप ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बात समझें कि आपने क्यू आवेश दिया, ये चालक गोला है, चालक गोले पर आवेश कहां चला जाता है? पृष्ठ पर। चालक गोले पर कुल आवेश कहां वितरित हो जाएगा? पृष्ठ पर, क्योंकि चालक की प्रॉपर्टी यही होती है कि आप जितना आवेश देंगे वो कहां चला जाएगा? पृष्ठ पर। तो पहले हम निकालते हैं गोले के बाहर, गोले के बाहर, ठीक। गोले के बाहर मतलब हम कैपिटल आर त्रिज्या लेते हैं जो कि बड़ी है किससे? स्मॉल आर से। कैपिटल आर मतलब कि एक त्रिज्या ऐसी मान लेते हैं जो इस गोले के बाहर लेके चले हमको, यहां मान लेते हैं, और यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करें? गॉसियन पृष्ठ खींचें। यहां पर जो गॉसियन पृष्ठ होगा, जैसे आर दूरी यहां भी ले सकते हैं, आर दूरी हम चाहें तो यहां भी ले सकते हैं, आर दूरी यहां भी ले सकते हैं, तो एक गोला ही खींचेंगे। यहां से क्या खींचेंगे? एक गोला खींचेंगे। अब ये सही गोला नहीं बन रहा है, आप समझ सकते हैं उतना, क्योंकि रफली एक हम फिगर बना रहे हैं तो एग्जैक्ट गोला नहीं बना है। ये त्रिज्या कितनी? आर। पहला पॉइंट हमने कर दिया, गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। कुल आवेश ज्ञात करें, तो कुल आवेश कितना है? क्यू आवेश दिया था आपने, वही क्यू आवेश है अभी भी। कुल आवेश कितना? कुल आवेश क्यू। नंबर तीन, ई डॉट ए ज्ञात करें। फाइव बराबर कितना होगा? ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई डॉट ए बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब अगर कॉस थीटा देखें तो वैद्युत क्षेत्र भी बाहर, इसका क्षेत्रफल भी बाहर, तो थीटा की वैल्यू कितनी? जीरो। तो बच जाएगा कितना? फाइव बराबर ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान एक। और गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? ये जो गोला है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? फोर पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा फाइव बराबर ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ये बराबर हो गया फाइव के। ये तीन पॉइंट हो गए, दो पॉइंट कुल आवेश ज्ञात कर लिया, फाइव बराबर ई डॉट ए ज्ञात कर लिया। अब लास्ट में ई डॉट ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो रखना है। ई डॉट ए हमने निकाला कितना आया? ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर किसके हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि आवेश कितना है? कुल क्यू। यहां से फोर पाई आर स्क्वायर को उधर भेज दें, ई बराबर आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब आर दूरी पर अगर आप ज्ञात करना चाहेंगे तो ई बराबर कितना आएगा? वन अपॉन फोर पाई आर एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही त्रिज्या अगर घटा के हम स्मॉल आर के बराबर कर दें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई इज इक्वल, क्योंकि आवेश तो अभी भी उतना ही रहेगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, ये बन जाएगा। और अगर हम इस गोले के अंदर चलें, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो गए हैं, यहाँ पर कैपिटल आर बड़ा है। अगर हम इस गोले के अंदर चलें, यहाँ पर हम कहें यहाँ वैद्युत क्षेत्र पता करो, तो आप पृष्ठ ऐसे खींचोगे। इस केस में अगर हम कहें तो आर डैश ले लेते हैं, आर डैश, ये आर डैश क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा आर से।
तो r डैश अगर छोटा हो जाएगा r से, तो इसके अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है, आवेश की वैल्यू जीरो, तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा जीरो, यानी गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा जीरो, बाहर त्रिज्या कैपिटल R लेंगे तो कैपिटल R, स्मॉल R लेंगे तो स्मॉल R। इस बात को नोट करें एक बार, फिर अगले डेरिवेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन है अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के चालक तार, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो पहले एक अनंत लंबाई का तार मान ले यहां पर। अच्छा, पहला सवाल यही उठता है दिमाग में कि अनंत लंबाई क्यों। एक बात और समझे कि गॉस की प्रमेय इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि एक घंटे में कवर किया जा सके। हम लोग सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि हमारे बोर्ड का क्वेश्चन ना छूटे। बाकी गॉस की प्रमेय कम से कम हफ्ते 10 दिन का चैप्टर है, 10-12 दिन लगते हैं इसको डिटेल में पढ़ाने में। अगर कंपटीशन के क्वेश्चन के साथ चलें तो कम से कम 12-13 घंटे का ये लेक्चर पूरा मतलब लिया जाता है 12 दिन में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कंबाइन करके चीज़ों को एक वीडियो में कॉम्पैक्ट फॉर्म में जानना चाह रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें छूटेंगी भी, लेकिन आपके बोर्ड का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इसमें कह रहा अनंत लंबाई के चालक तार से ही, क्यों? क्योंकि आप आवेश देंगे। अगर मान लीजिए अनंत लंबाई का चालक तार ना लेते, कोई निश्चित लंबाई इतने का ही ले लेते, तो ये प्लस वाले से वैद्युत बल रेखा बाहर निकलेगी, इस वाले से भी बाहर निकलेगी, इन दोनों में होगा प्रतिकर्षण, तो यहाँ पर मुड़ेगी, यहाँ पर भी मुड़ेगी, और जब मुड़ेगी तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, परिवर्तित होगी। दूरी परिवर्तित होने के कारण वैद्युत क्षेत्र नियत नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अनंत लंबाई का लेते हैं, ताकि ये वाला इफेक्ट अगर आए भी, इसको हम कहते हैं कर्लिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर ये इफेक्ट आए भी तो कहाँ पर आए, अनंत पर आए, हमें अनंत पे जाना ही नहीं है, इसीलिए हम कितनी लंबाई का चालक तार लेते हैं, अनंत लंबाई का चालक तार। ऐसे ही आगे निकल गया है, इधर आगे निकल गया। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र कितनी दूरी पर निकालना है, हम मान लेते हैं आर दूरी पर निकालना है, यहाँ कहीं आर दूरी पर, तो आर दूरी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो हमने क्या किया, पहले एक गॉसियन पृष्ठ खींचना चाहा, गॉसियन पृष्ठ खींचा बेलन के रूप में। अच्छा, इन सब चीजों का एक लॉजिकल रीजन है कि बेलन ही क्यों, गोला क्यों नहीं यहां खींच दिया। तो उसका रीजन जानने के लिए हम लोग को ये चैप्टर और डिटेल में पढ़ना होगा, उसकी भी वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल हम बोर्ड को टारगेट करके बना रहे हैं वीडियो। ये हमने बेलन बना दिया, इस बेलन के इस बिंदु पर मान लीजिए हमें वैद्युत क्षेत्र पता करना है। तो हम क्या करेंगे, तीन हिस्से में अगर देखें तो यहां पर फ्लक्स बंट रहा है। पहले आवेश की बात करते हैं, आवेश कितना होगा। अब ये आवेश रेखा पर वितरित है, रेखा पर वितरित है, तो आवेश घनत्व दे रखा है लैम्डा, कितना दे रखा है लैम्डा, और इसकी लंबाई कितनी है एल लंबाई के चलते हमें तार के वैद्युत क्षेत्र पता करना है। तो सबसे पहला काम गॉसियन पृष्ठ खींचे, वो हमने खींच दिया, क्या बना बेलन। दूसरी चीज कुल आवेश पता करें, लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू बाई एल, तो यहां से क्यू बराबर कितना होगा, क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, यानी कुल आवेश कितना है, कुल आवेश आ गया लैम्डा इंटू एल, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। चलिए, ये तो हो गया कुल आवेश लैम्डा इंटू एल। तीसरा पॉइंट क्या है, फाई बराबर ई डॉट ए कैलकुलेट करें। फाई बराबर ई डॉट ए निकालने के लिए हम देखें अगर, तो फाई बराबर तीन क्षेत्र से फ्लक्स जाएगा। पहला तो ये वाला जो है वक्रीय पृष्ठ, तो इसको हम कह सकते हैं फाई कर्व्ड, यानी वक्र वाले से, और बाकी का एक फाई सर्कुलर और प्लस में फाई सर्कुलर, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल, तीन पृष्ठ बनेंगे यहां पर। तो चलिए देखते हैं, यहां से प्लस वाले से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर ऐसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल भी बाहर होगा, ये ई है और ये ए है, दोनों के बीच का एंगल कितना जीरो, तो यहां बन जाएगा ई डॉट या ई ए
कॉस जीरो लिखते हैं सीधे, ई ए कॉस जीरो। यहाँ पर अगर चेक करें तो ये पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर, वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर, पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र ये क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र इधर, ये ई ये ए, इनके बीच का एंगल कितना 90। तो ये हो जाएगा फाई सर्कल, फाई सर्कल टू फाई सर्कल यानी टू ई ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो। यहाँ पर कितना आएगा, ई ए कॉस जीरो आएगा ना, एंगल जीरो है तो बच जाएगा ई इंटू ए, फाई बराबर आ गया ई इंटू ए। अब ये ए क्या है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना होता है बेलन का, टू पाई आर एल, टू पाई आर एल, ये हो जाएगा फाई। अब लास्ट पॉइंट क्या है, फाई बराबर गॉस की प्रमेय मतलब ई ए इज इक्वल काई क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अप्लाई कर दें। अब ई डॉट ए हमने निकाला कितना आया, ई इंटू टू पाई आर एल बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्यू कितना है, लैम्डा एल अपॉन में कितना, एप्सिलॉन जीरो, एल से एल कैंसिल। ई बराबर कितना आया, वन अपॉन टू पाई आर है, आर को इधर लिखते हैं, एप्सिलॉन जीरो को इसके साथ सजा देते हैं, ऊपर कितना बचेगा लैम्डा, तो ई बराबर कितना आया, वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो लैम्डा बाई आर, यही हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। अब थोड़ा सा दिक्कत यह है कि हम लोग इसको शुरू से बचपन से ही 4 पाई एप्सिलॉन जीरो देखते आए हैं, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा, 2 से भाग कर दें, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा अपॉन आर। इस चीज को नोट करें फिर आगे चलते हैं। अब इस पर जो अगला सवाल है वो आता है अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई की चादर के कारण, अनंत लंबाई की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, अनंत लंबाई की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। ये मान लीजिए एक अनंत लंबाई की ऐसे क्या है चादर, अनंत लंबाई लेने का रीजन क्या है वो हम लोग जान चुके हैं कि अगर अनंत लंबाई नहीं लेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं फैलेंगी ऐसे वो यहीं पर फैल जाएंगी, हम लोग चाहते हैं कि वो अनंत पर फैले, तो इस पर हमने आवेश दे रखा है। अच्छा आप सोचकर बताएं इस पर कैसा आवेश दिया जाएगा, रेखीय पृष्ठीय की आयतनिक, हाँ पृष्ठीय दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, चादर है तो चादर में क्षेत्रफल होगा, तो इसीलिए इसको कैसा आवेश दिया जाएगा सिग्मा, कैसा आवेश दिया जाएगा सिग्मा। अब इस चादर के कारण हम वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, चादर तो अनंत लंबाई की है तो हम क्या चाहते हैं कि एक छोटे से क्षेत्रफल के चलते यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र पता चले, तो हम क्या करते हैं सबसे पहला पॉइंट गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ होगा कैसे, बेलन होगा एक ऐसे आर पार, इसके एक बेलन खींचा जाएगा, ऐसा होगा ये यहां पर और यहां पर ऐसा होगा, ठीक, ये कितना क्षेत्रफल होगा, इसी क्षेत्रफल के चलते ही जो भी होगा हमें वैद्युत क्षेत्र पता करना है। ये क्षेत्रफल हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं ए है, कितना है क्षेत्रफल ए है, तो चलिए इसके हिसाब से सबसे पहला काम हमने गॉसियन पृष्ठ तो खींच ही दिया, दूसरा पॉइंट क्या करें कुल आवेश ज्ञात करें, कुल आवेश कितना होगा, हमने सिग्मा आवेश इस पर दे रखा है, सिग्मा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश घनत्व और क्षेत्रफल कितना है ए, तो सिग्मा बराबर कितना होता है क्यू बाई ए, तो यहां से क्यू बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा ए, कुल आवेश कितना हो गया सिग्मा ए, ये हो गया कुल आवेश। इसके बाद दूसरा पॉइंट ई डॉट ए कैलकुलेट करें, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट फाई बराबर तीन पृष्ठ बनेंगे, पहला तो ये वाला बेलन का, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, फाई बराबर फाई वही चीज कर्व्ड और प्लस दो कैसे बनेंगे फाई सर्कुलर, दो वृत्तीय बनेंगे है ना, वक्री और वृत्तीय। अब यहां पर देखिए क्षेत्रफल इसका ऐसे होगा ऊपर की ओर और वैद्युत क्षेत्र जाएगा ऐसे, प्लस आवेश है ना
तो यहाँ से ऐसे निकलेगा, इधर की ओर जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आया 90, यहाँ का क्षेत्रफल इधर होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा थीटा 0, यहाँ पर प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र जाएगा इधर, क्षेत्रफल भी इसका पृष्ठ के लंबवत इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर 0। तो फाई बराबर अब हम रखेंगे इसमें, फाई कर्व्ड, कर्व्ड वाला ये होगा ई ए कॉस 90 प्लस 2, फाई बराबर होगा ई ए कॉस 0, ये कॉस 90 वाला टर्म तो क्या हो जाएगा 0, तो फाई बराबर कितना बचेगा 2 ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो फाई बराबर आ गया 2 ई ए, ये आ गया फाई। लास्ट में हमें क्या करना है, ई ए इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 रख देना, तो ई ए कितना आया, फाई बराबर कितना आया 2 ई ए बराबर आवेश क्या होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, या 2 ई ए बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन 0, ए से ए कैंसिल, यहां से ई बराबर कितना आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। ये जो प्लेट ली थी आपने, ये चालक नहीं थी, अचालक प्लेट थी। कैसी प्लेट थी, अचालक प्लेट, अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अच्छा तो इसमें एक बात सोचें कि हमने क्षेत्रफल इतनी दूर पे लिया तब भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, दूरी तो मैटर नहीं करती, यहां पर देखेंगे तब भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यहां देखेंगे तब भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ई बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, मतलब 2 एप्सिलॉन 0 लेंगे यहां वहां जहां भी देखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस बात को नोट करें तो फिर आगे चलते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ऐसे एक प्लेट ले ली जाए, ये प्लेट ले लें, ये ऐसे प्लेट होगी ना, प्लेट तो ऐसे होगी इस तरह से, ये प्लेट है तो हम इसका ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ऐसे, ये ऐसे है ऐसे देख रहे हैं, तो इसको हमने आवेश दिया था ये अचालक है, क्या है ये अचालक, इसको हमने सिग्मा आवेश दिया, तो वैद्युत क्षेत्र कितना आया ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि आवेश इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर मान लीजिए चालक होती, कैसी होती चालक, तो यही आवेश इसके दोनों तरफ होता, इधर भी आता और इधर भी आता, क्यों, क्योंकि चालक है तो चालक पर आवेश कहीं एक जगह नहीं रुकेगा, दोनों तरफ जाएगा, तो इधर वाले हिस्से के चलते कितना आता E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इधर वाले हिस्से के चलते कितना आता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, कुल वैद्युत क्षेत्र कितना था इस प्लस के चलते, जैसे मान लीजिए यहां निकालना चाहते हैं, इस प्लस के चलते भी इधर, इस वाले के चलते भी इधर, दोनों जुड़ जाते तो E बराबर आ जाता E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, टोटल जुड़ गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल, आ गया कितना नेट वैद्युत क्षेत्र आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। चालक के कारण कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, अचालक के कारण कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब इसी से रिलेटेड कुछ चीजें और देखते हैं। तो ये थे गॉस की प्रमेय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनमें सब में देखिए आपने इन चार ट्रिक के अलावा कुछ और यूज ही नहीं किया है, इन्हीं चार चीजों को यूज किया है हमने, किसी भी घन कोण टाइप की चीज का यूज ही नहीं किया, इन चार से ही हम लोगों ने क्या किया है सारे डेरिवेशन कर लिए हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे प्रकाश के ऊपर, प्रकाश में भी लगभग देखा जाए तो बच्चे परेशान हैं कि डेरिवेशन कैसे किया जाए, वो सारे डेरिवेशन एक ही कॉन्सेप्ट ऐसे ही होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा जो थीम होगा पूरे चैप्टर का, उसी पे बेस्ड सारे डेरिवेशन हम लोग करेंगे। चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट मिलते हैं प्रकाश की वीडियो में।